हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस फाइनली हमें एश और स्टीवन के बैटल देखने को मिला है पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड 118 में। और आज मैं इसी एपिसोड का यानी कि एपिसोड 118 का रिव्यू करने वाला हूं, साथ में एश और स्टीवन के बैटल के बारे में बात भी करूंगा। तो हाँ, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड का शुरुआत होते है एश और स्टीवन के बैटल से, जहाँ पे एश के हाथ में सभी बैंड दिखाए जाते हैं और उसके बाद दोनों ही ट्रेनर अपना फर्स्ट पोकेमॉन यूज करते हैं। एश का फर्स्ट पोकेमॉन होता है ड्रैगोविस एंड स्टीवन का फर्स्ट पोकेमॉन होता है उसके साइन है मेटाग्रॉस। और ड्रैगोविस सबसे पहले वाटर गन का यूज करते हैं और साइन है मेटाग्रॉस एजिलिटी का यूज करते हैं और दोनों ही पोकेमॉन थोड़ी देर तक बैटल करते हैं। और उसके बाद पॉल और पॉल के बड़ा भाई को दिखाए जाते हैं जो कि एश के बैटल देख रहे थे। एंड उसके बाद स्टीवन अपने मेटाग्रॉस को वापस बुला लेते हैं और उसकी जगह भेजते हैं एग्रॉन पोकेमॉन को। और होएंडियन से कुछ कैरेक्टर के कैमियो रिटर्न देखने को मिलते हैं जो कि प्रोफेसर पच, हर्लिस, ड्रू और होएन लीग में एस जिसके साथ बैटल का उसको दिखाए जाते हैं, टाइसन को दिखाए जाते हैं, साथ में मॉरिसन को भी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत लोग ने मिस कर दिया था। और फिर एस के साइड से कुछ कैरेक्टर का कैमियो रोल देखने को मिलता है जो कि थे प्रोफेसर सीरीज, उनके दो असिस्टेंट, साथ में क्लोई भी। और कैंट ओरिजिन से एस के मॉम प्रोफेसर ओक और एस के सभी ओल्ड पोकेमॉन और ये सभी एस और स्टीवन के बैटल दिख रहे थे। और अब एग्रॉन और ड्रैकोविस बैटल होते हैं और इस बैटल को ड्रैकोविस बहुत ही आसानी से हार जाते हैं। और एस का सेकंड पोकेमॉन होते हैं गेंगार और गेंगार सबसे पहले विलुस अटैक का यूज करते हैं जो कि एग्रॉन पर डायरेक्ट हिट होता है और एग्रॉन पैरालाइज हो जाते हैं और बहुत भी डैमेज भी होता है। और एग्रॉन और गेंगार के बीच का शानदार बैटल देखने को मिलते हैं और एग्रॉन लास्ट में रॉक अटैक यूज करते हैं जिससे गेंगार बच जाते हैं और एग्रॉन को हरा देता है। और अब स्टीवन का पोकेमॉन है कैडेली पोकेमॉन और कैडेली पोकेमॉन एस के गेंगार को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया था और ये देख के एस बहुत ही चौंक जाते हैं। और आखिर में दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे देखकर लग रहा था कि ये बैटल टाई होने वाला है, बट दोनों ही पोकेमॉन बच जाते हैं, दोनों पोकेमॉन खड़े रहते हैं। और फिर गेंगार शैडो बॉल का यूज करते हैं जिससे कैडेली पोकेमॉन बच जाते हैं और एक ही अटैक में गेंगार को हरा देते हैं। और अब एस के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि पिकाचू और पिकाचू अब कैडेली के साथ बैटल करेगा और कैडेली पोकेमॉन वो अटैक दोबारा से यूज करते हैं जो कि पिकाचू इलेक्ट्रिक वेब से अटैक देते हैं और पिकाचू आयरन टेल से कैडेली पोकेमॉन को हरा देते हैं। और पिकाचू कैडेली पोकेमॉन को हराने के बाद पिकाचू और एस बहुत ही खुश होते हैं। और अब स्टीवन अपने फाइनल पोकेमॉन को यूज करते हैं जो कि साइन मेटाक्रॉस और साइन मेटाक्रॉस स्टीवन का इस पोकेमॉन भी है, साथ में एस के पिकाचू भी एस का इस पोकेमॉन है। और अब पिकाचू और साइन मेटाक्रॉस के बीच बैटल होने वाला है तभी स्टीवन अपने साइन मेटाक्रॉस को मेगाबल कर देता है और मेटाक्रॉस मेगाबल होने के बाद और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और पिकाचू साइन मेगा मेटाक्रॉस पे थंडरबोल्ट अटैक कर रहा था बट मेटाक्रॉस की स्पीड इतना ज्यादा था कि सभी थंडरबोल्ट अटैक से मेटाक्रॉस बचते जा रहा था और यहीं पे पिकाचू बहुत ही मुश्किल में आ गया था क्योंकि पिकाचू के एक भी थंडरबोल्ट मेटाक्रॉस पे नहीं लग रहा था। और उसके बाद मेटाक्रॉस एक अटैक करते हैं जिससे पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और सबको लगता है कि पिकाचू यहीं पे हार गया था। और पिकाचू उठने की पूरी कोशिश कर रहा था और उठ भी जाता है क्योंकि पिकाचू अब भी बैटल के लिए तैयार है। और फिर स्टीवन का साइन मेगा मेटाक्रॉस पिकाचू पे साइकिक अटैक करते हैं और जमीन पे जोर से गिरा देते हैं जिससे पिकाचू और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है और पिकाचू यहीं पे हारने ही वाला था। और यहीं पे एस भी बहुत ही परेशानी में आ गया था कि ये बैटल को कैसे जीते, तभी एस पिकाचू के साथ जी मूव अटैक यूज करते हैं और जी मूव अटैक यूज करने के बाद पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। पिकाचू यूज करते हैं 3 मिलियन थंडरबोल्ट जिससे मेटाक्रॉस पहले तो बच रहा था बट एंड में मेटाक्रॉस को एक अटैक लग ही जाता है। और आखिर में पिकाचू आयरन टेल का यूज करते हैं जो कि साइन मेगा मेटाक्रॉस पे डायरेक्ट हिट होता है और फाइनल स्टीवन के साइन मेगा मेटाक्रॉस हार जाते हैं और इस बैटल को एस जीत लेता है एंड एस जगह बनाते हैं सेमीफाइनल में। एंड एस और पिकाचू बहुत ही खुश होते हैं इस बैटल को जीत कर और लास्ट में एस और स्टीवन बैटल करते हैं कि ये बैटल बहुत ही अच्छा था। और फिर स्टीवन, एलन और आयरिस चले जाते हैं और एस को गुड लक बोलते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। एस का सेमीफाइनल में बैटल है सिंथिया के साथ और अब ये चार टेनर सेमीफाइनल में है जो कि लियोन, एस, डैंथा और सिंथिया और इस चार टेनर के बीच अब सेमीफाइनल में बैटल देखने को मिलेगा और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो बस गाइस ये था आज इस वीडियो में जो कि एस और स्टीवन के बैटल के बारे में बात किया हूँ, साथ में एपिसोड 118 के रिव्यू भी किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना। तो फिर दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।